Male gametophyte. Microspore, that is pollen grain, is the mother cell of the male gametophyte. देखिए, हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? और एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है उसमें मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो बिल्कुल अलग अलग होते हैं. इसके मेल गैमेटोफाइट को हम लोग माइक्रोस्पोर बोलते हैं या पोलन ग्रेन बोलते हैं. या माइक्रोस्पोर जो होता है यही डेवलप होकर के मेल गैमेटोफाइट को बनाता है. मेल गैमेटोफाइट बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग गैमेटोजेनेसिस के थ्रू उसका स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं. इसमें लिख रखा है, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस द न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन डिवाइड इनटू स्मॉल लेंटिकुलर जनरेटिव सेल एंड अ लार्ज वेजिटेटिव सेल. ठीक है, जब ये डिवीजन करता है पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस तो दो सेल्स को बनाता है जो पोलन ग्रेन के भीतर ही रहते हैं. एक सेल को जनरेटिव सेल कहा जाता है जो आगे चल करके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को बनाता है, और दूसरी सेल को वेजिटेटिव सेल कहा जाता है जो आगे जाकर के पोलन ट्यूब को बनाता है या ट्यूब न्यूक्लियस को बनाता है. क्लियर? तो जनरेटिव सेल लिखा हुआ है, अगेन डिवाइडेड एंड फॉर्म टू मेल गैमेट्स. एक पोलन ग्रेन से एंजियोस्पर्मिक प्लांट में दो मेल गैमेट बनते हैं. क्लियर? अब स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की बात की जा रही है, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, तो इसी में नीचे डायग्राम दिया गया होगा पोलन ग्रेन का, उसी डायग्राम को ही डिफाइन किया जा रहा है. लास्ट में उस डायग्राम को भी हम पढ़ लेंगे. क्लियर? स्टार्ट कीजिए. स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन हैज अ वेल डिफाइंड वॉल व्हिच इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू लेयर्स. ठीक है, माइक्रोस्पोर कहिए या पोलन ग्रेन कहिए, इसकी जो वॉल होती है, इसकी जो इसका जो भित्ति होता है वो दो परत का बना होता है. बाहर वाली परत को एक्साइन कहा जाता है और भीतर वाली परत को इंटाइन कहा जाता है. बाहरी परत को एक्साइन और भीतरी परत को इंटाइन कहा जाता है. एक्साइन अपीयर फर्स्ट एज थिन लेयर. ठीक है, पॉले एक्साइन जो होता है एक पतली परत के रूप में दिखाई देता है या विकसित होता है जो बाद में मोटे परत में बट जाता है. ठीक है, और इसके स्वयं के यानी एक्साइन के खुद के दो लेयर्स होते हैं. क्या लिख रखा है? एक टैक्सिन और इंडेक्सिन. ठीक है, इंडेक्सिन, एक टैक्सिन और इंडेक्सिन. क्लियर? इसमें नाम और भी दिए हुए, इसमें दो लेयर बट जाता है. और इसका जो एक टैक्सिन है इज फर्दर डिफ्रेंशिएटेड इनटू थ्री लेयर. ठीक है, वो तीन भाग में बढ़ जाता है. उसे क्या क्या नाम लिया हुआ है? तो लिखा है बेसल, फुट लेयर, मिडिल बैकुला और अपर टेक्टम. ठीक ना, टेक्टम, टेक्टम, टेक्टम लेयर है, फुट लेयर है, मिडिल बैकुला है और अपर टेक्टम लेयर है. ये किसका पार्ट है? तो एक टाइन का है. एक टाइन किसका पार्ट है? तो पोलन ग्रेन के वॉल का एक्साइन का पार्ट है और एक्साइन का बाहरी पार्ट है. ठीक है, द बैक्यूला के बारे में क्या लिख रखा है? विच कंसिस्ट ऑफ रेडियली एक्सटेंडेड रॉड फॉर्म वेरियस स्क्लैप्चरिंग पैटर्न ऑफ एक्साइन. ठीक है, एक्साइन का वो भाग है, नीचे एक डायग्राम उसको हम दिखा रहे हैं. क्लियर? ठीक है, ये डायग्राम लोग देख रहे हैं. क्लियर? एक टाइन का डायग्राम है, इसे देख सकते हैं आप लोग. सबसे वो बाहर की ओर टेक्टम दिखाई दे रहा है. क्लियर? और उसके बाद में गैप है, खाली जगह है, अवकाश है, उसे बैक्यूलम बोला जा रहा है. और सबसे लोअर लेयर जो है उसे फुट लेयर बोला जा रहा है. ठीक है, इसके बाद इंडेक्सिन है, और इंडेक्सिन के बाद उसके नीचे का जो लेयर है वो क्या है? इंटाइन है. क्लियर? इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं. चलिए थोड़ी स्टार्ट कीजिए. द एक्साइन इज चीफली कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन. ठीक है, एक्साइन, एक्साइन बना होता है किस चीज से? तो एक मटेरियल है, स्पेशल मटेरियल है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन. क्लियर? आगे पढ़िए. अ सब्सटेंस कंसीडर्ड टू बी द ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटेनॉइड्स एंड और कैरोटेनॉइड एस्टर. ठीक है, जो ये जो केमिकल नेचर अगर स्टडी करेंगे हम लोग किसका? स्पोरोपोलेनिन का. तो बना होता है कैरोटेनॉइड से, और कैसा कैरोटेनॉइड? तो ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटेनॉइड. ठीक है, ऑक्सीकृत पॉलीमर जानते हैं हम लोग बहुलक, कैरोटेनॉइड का बहुलक होता है जो स्पोरोपोलेनिन को बनाता है, या फिर कैरोटेनॉइड्स के एस्टर्स होते हैं. आपको केमिस्ट्री में एस्टर्स पढ़ाए गए होंगे. क्लियर? ये होते हैं. इट इज़ ए टफ सब्सटेंस प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंट टू फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोजिशन एंड दस चेक द नेचुरल डीके ऑफ पोलन ग्रेन. देखिए, ये जो सब्सटेंस है स्पोरोपोलेनिन वो एक कठोर सब्सटेंस है जो एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है किस किस चीज़ के प्रति? तो फिजिकल्स जो घटनाएं, दुर्घटनाएं, मान लो कुचलने से या धूप से, क्लियर, या पानी से पोलन ग्रेन को बचाना है उसके लिए मदद करेगा. एज वेल एज अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है
उससे भी पॉलन ग्रेन को बचाने का काम करेगा, ठीक है। या नेचुरल डीके ऑफ पॉलन ग्रेन, प्राकृतिक रूप से अगर पॉलन ग्रेन का जो नुकसान होता है, क्षय होता है, उससे भी बचाने का काम ये करेगा। कौन सा पदार्थ? तो स्पोर पोलिनिन जो करेगा, ये काम करेगा। एंड दस क्या लिखा है आगे, प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग फॉसिलाइजेशन। इसके अतिरिक्त अगर पॉलन ग्रेन फॉसिलाइज हो रहा है, जीवाश्मीकृत हो रहा है, तो यही स्पोरोपोलिनिन ही उसे जीवाश्मीकृत होने में भी मदद करेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। द एक्साइन इज कम्प्लीटली एबसेंट और रिप्रेजेंटेड बाई इंडेक्सिन ओनली बिलो द पोर और अपर्चर रीजन, ठीक है। जिस जगह पे पॉलन ग्रेन में अपर्चर होता है, ठीक है, जहाँ से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होता है, बाहर निकलता है, उस जगह पे एक्साइन कम्प्लीटली एबसेंट होता है। एक्साइन के जगह पे वहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, और रिप्रेजेंटेड बाई इंडेक्सिन, वहाँ पे इंडेक्सिन होता है, आउटर मोस्ट लेयर नहीं होता उसका, ठीक है, जहाँ अपर्चर है, ठीक है। आगे चलिए अगला क्या, इंटाइन है। इंटाइन, इंटाइन इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज, ठीक है। जो पोलन ग्रेन का इंटाइन है, एक्साइन और इंटाइन, क्लियर है। जो इंटाइन है वो बना होता है पेक्टिन का और सेल्यूलोज का। इसके अलावा इसमें क्या है, तो फाइब्रिल्स ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के पतले पतले फाइब्रिल्स हैं, धागे हैं, आर अरेंज्ड पैरेलल, जो समानांतर लगे रहते हैं पॉलन ग्रेन के सरफेस पे, ठीक है। इंटाइन इज यूजुअली थीकर अंडर द पोर्स, ठीक है। जहाँ पोर्स अवेलेबल होते हैं, जहाँ पोर्स हैं, जहाँ से जर्म ट्यूब बाहर आना है, वहाँ पे ये मोटा होता है। एंड एट दीज पॉइंट्स इज आल्सो कंटेन एंजाइम प्रोटीन्स, और इन जगहों पे जहाँ पोर्स हैं उन जगहों पे स्पेशल टाइप के एंजाइमेटिक प्रोटीन भी होता है इसमें, हो जाएगा। जहाँ पोर्स बनने हैं, कौन से पोर्स हैं वहाँ, जहाँ से जर्म ट्यूब निकलेगा, जहाँ से पोलन ट्यूब निकलेगा, ठीक है, उस पोर की बात की जा रही है। इन इंसेक्ट पोलिनेटेड स्पीसीज द सर्फेस ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कवर्ड बाई आइली लेयर कार्ड, क्या लिखा है, पोलन किट। अगर कोई ऐसा पौधा है जिसमें पोलन ग्रेन का डिस्पर्सल जो है, या फैलाव जो है, बिखराव जो है, वो इंसेक्ट के द्वारा होता है, तो क्या बोलते हैं, इंटाइन में या उस जगह पे एक ऑयली लेयर पाया जाता है। उस ऑयली लेयर का नाम क्या बताया गया है, पोलन किट कहा जाता है। द स्टिकी नेचर, चिपचिपापन होता है इसमें, नेचर हो सकता है इसमें पोलन ग्रेन में। इसके अलावा कलर हो सकता है, स्मेल हो सकता है, हो गया, स्मेल ऑफ पोलन ग्रेन ड्यू टू इट्स प्रेजेंस। इस ऑयली सब्सटेंस के वजह से उसमें कलर भी आ सकता है, चिपचिपापन भी आ सकता है, और स्मेल भी आ सकता है। द सब्सटेंस इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ पोलन किट आर सिक्रेटेड बाई टेपिटल सेल, ठीक है। याद रखिएगा, जब हम लोग एंथर के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो एंथर का सबसे भीतरी लेयर जो होता है वो टेपिटम होता है। एंथर का जो सबसे भीतरी लेयर होता है, जो चारों ओर से माइक्रोस्पोर्स यानी पोलन ग्रेन को घेरे रखता है, उसको टेपिटम कहते हैं। तो पोलन किट का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो टेपिटल लेयर की कोशिकाएं ही करती हैं, टेपिटम की कोशिकाएं ही करती हैं, क्लियर। ऑल्दो डेफिनेट फंक्शन ऑफ पोलन किट इज नॉट नोन, ठीक है। पोलन किट का जो निश्चित काम है वो अभी तक अज्ञात है। इट इज बिलीव दैट, ये माना जाता है कि, नीचे कुछ लाइन्स लिखी हुई हैं कि पोलन किट का ये काम है, क्या क्या काम है बोलिए। इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स, दूसरा प्रोटेक्ट्स पोलन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तीसरा एंड इट्स स्टिकी नेचर हेल्प्स इन स्टिकिंग पोलन टू इंसेक्ट बॉडी, ठीक है। इसका काम क्या है, ये माना जाता है, इसका काम ये है कि ये इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है, नंबर एक। दूसरा क्या है, पोलन को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने का काम करता है, कौन, पोलन किट केमिकल। इट्स स्टिकी नेचर, इसका जो चिपचिपा पदार्थ है वो हेल्प करता है कि पोलन ग्रेन इंसेक्ट के शरीर से चिपक जाए, और जहाँ जहाँ वो इंसेक्ट जाएगा वहाँ वहाँ वो कैरी कर दिया जाएगा, क्लियर। इसके बाद क्या है, आगे पढ़िए। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन कंटेन्स डिक्टियोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जैसा कि दूसरी कोशिकाओं में, ये भी एक तरह की सेल है, जहाँ तक कि दूसरी कोशिकाएँ जो होती हैं जिनके पास अपना साइटोप्लाज्म होता है, बिल्कुल वैसे पोलन ग्रेन के अंदर भी साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के पास अपने सेल ऑर्गेनेल्स हैं, डिक्टियोसोम है, प्लांट सेल में हम लोग डिक्टियोसोम बोलते हैं गॉल्गी बॉडी को, माइटोकॉन्ड्रिया उसका खुद का, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसके अंदर। पोलन ग्रेन्स आर डेंसली साइटोप्लाज्मिक, पोलन ग्रेन्स के अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है घना होता है, एज लॉन्ग एज दे आर टेट्राड, ठीक है। जब तक वो अपना शेप, मतलब डिवीजन के समय बना नहीं लेता, तब तक इसमें साइटोप्लाज्म अवेलेबल होता है। बट सून आफ्टर देयर रिलीज फ्रॉम टेट्राड दे अंडरगोज कंसिडरेबल इनलार्जमेंट, एंड एज
रिजल्ट देयर साइटोप्लाज्म बिकम हाईली वैक्यूलेटेड. याद रखिए, जहाँ टेट्राड से ये अलग होता है इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है पॉलन ग्रेन का, हो गया, और इसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें वैक्यूल्स बन जाते हैं. ठीक है, उसके साइटोप्लाज्म में रिक्तिकाएँ बन जाती हैं जब ये एक्सपेंड करता है, पॉलन ग्रेन का साइज बड़ा होता है. तो द मेच्योर पॉलन ग्रेन कंटेन, परिपक्व पॉलन ग्रेन है उसमें क्या होता है, तो 7 to 26% जो होता है प्रोटीन होता है, 24 to 48% कार्बोहाइड्रेट होता है, 0.9 to 14.5% फैट होता है, और 0.9 to 0.54% क्या लिखा हुआ है, एस, एंड 7 to 16% जो होता है वाटर होता है. क्लियर, इसके बाद भी कुछ दिया हुआ है. ठीक है, इसके बाद डायग्राम है, और डायग्राम की हम लोग बात कर लेते हैं. ठीक है, पॉलन ग्रेन का डायग्राम दिया हुआ, देख लीजिए इसको. इसको अलग स्टार्ट में देखना चाहिए था. पॉलन ग्रेन में आपको ये दो अंदर न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस. क्लियर, इसके अलावा इसमें आपको एक क्या लिखा है, एक्टेक्सिन दिख रहा है, इंडेक्सिन दिख रहा है, और इंटाइन दिख रहा है. क्लियर, ये पॉलन ग्रेन का हम लोग फिजिकल नेचर बाहर देख रहे हैं. हेप्लॉयड न्यूक्लियस होता है इसका. क्लियर, इसके न्यूक्लियस हैं वो सब के सब दोनों हेप्लॉयड हैं.